अब दिखाता हूँ यहाँ के सरकारी स्कूल कैसे होते। नमस्ते इंडिया। संते बहुत सारे बच्चे यार इकट्ठे हो गए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक और नए दिन में आपका स्वागत है। मैं अभी कहाँ हूँ, मैं हूँ अभी अफ्रीका में, और अफ्रीका में सिटी है, जो कंट्री है जाम्बिया, उसकी कैपिटल लुसाका में। और यहाँ पर आया हूँ मैं स्कूल को देखने। हमारे साथ जो गौरव है, आर्ट, फाइन आर्ट के टीचर हैं, वो हमें यहाँ पर स्कूल दिखाने लाए हैं, स्कूल विजिट करवाने लाए हैं कि अफ्रीका के स्कूल कैसे होते हैं। और इस स्कूल का नाम लेक रोड PTA स्कूल इसका नाम है, और ये कुछ ऐसा स्कूल दिखता है, बहुत ही सुंदर है। और ये देख लो भाई, अफ्रीका के स्कूल कैसे होते हैं। बच्चे बैग यहाँ पर ना बाहर लटकाते हैं, जैसे हमारे तो अंदर रखते हैं ना, ये बाहर रखते हैं सारे। ये देखो, एक क्लास के बैग यहाँ पे है, और जब देखोगे आप तो दूसरी क्लास के बैग यहाँ पर दिखेंगे। तो ये सारे बैग यहाँ पर होते हैं, और ये है आठ क्लास की स्टूडेंट, आठ क्लास ऐसी होती है यहाँ पर, क्लासेस देख रहे हो। और ये खड़े हमारे टीचर गौरव, यहाँ पे फाइन आर्ट की क्लास लेंगे सब बच्चों की, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। ये कुछ ऐसा है, ये इनके कोच हैं, और ये बच्चे स्टूडेंट कर कुछ कर रहे हैं। खुशी ज़्यादा पता तब होती है कि अफ्रीका के स्कूल में हमारा कोई इंडियन भाई एज अ टीचर यहाँ के बच्चों को फाइन आर्ट सिखाता है। और भाई हमारे राजस्थान से रहते दिल्ली में है ना, अगर दिल्ली वाले भाई को जानते हैं तो भाई का नाम कमेंट में ज़रूर करना। और एक चीज़ और है, अपने अपने जहाँ से भी आप वीडियोस देखते हो ना, अपने सिटी का नाम नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख दिया करना कि कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। तो ये कुछ इनकी ड्रेस होती है, स्कूल की ग्रीन ड्रेस है और ब्लैक पैंट है। और ये हमारे साथ यहाँ के जो टीचर हैं ना, वो हैं। व्हाट्स योर नेम ब्रो? व्हाट्स योर नेम? क्लिंच। ओह, सच अ नाइस नेम। थैंक यू। वेलकम। व्हिच क्लास यू स्टडी? व्हिच क्लास यू स्टडी? और सामान सबको बैग ना, यहाँ पर क्या होता है, जैसे इंडिया में तो बैग को हमें अंदर लेके जाना पड़ता है, यहाँ पर बैग्स को बाहर ही रख के जाना पड़ता है, ऐसे नहीं जा सकते आप। पूरी तरह भर चुकी है सारी क्लास। ये देखो, ये टीचर इनको गुस्सा कर रहा है कि आपको खड़े होके क्लास लेनी पड़ेगी, जिन लोगों ने जो स्टूडेंट है ना काफ़ी भर गए हैं। And I am brother coming from India, and I am first time coming Zambia, so you please cooperate me, okay? So now I going to show you paper art. Actually, I hate those color paper. You know color paper? And these papers, I am brother not buy from India. I am buy from Zambia. Very good. And this paper's name, color tissue paper. What name? One pipe short, one pipe long. And festival time, you just take for one paper slowly up like this. The coming one, Christmas. Like this. So this time, you do yourself. And decoration your class, house, office, very easy. And this my first model. And second, like your decoration. So I am coming from India. India. नमस्ते। थैंक यू गाइस। थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी। सर भाई हमारा YouTube चैनल ना और Instagram हैंडल स्क्रीन पे लग रहे हैं। भाई पीछे गौरव भाई की क्लास होगी ओवर,
हमें तो वहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा था, बच्चे बड़े प्यारे थे और गौरव भाई ने बहुत कुछ सिखाया यार, जो हमने शायद हम भूल चुके हैं इन चीज़ों को, जो कहते हैं ना कला होती है उसको भूल चुके हैं, गौरव भाई ने वो कला को याद करवाया दोबारा फिर से। और ये देखो छोटे छोटे बच्चे स्कूल, यहाँ पर ना हाथ धोने का सिस्टम ऐसे है क्योंकि पानी आ नहीं रहा। हेलो हाउ आर यू, गुड। हाथ धोने का सिस्टम ऐसे है। और ये कुछ क्लासेस हैं यहाँ की, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो स्कूल की क्लासेस हैं, बच्चे बैठे हैं, सॉरी बच्चों हेलो, ये देखो छोटे छोटे बच्चों की क्लासें, हेलो छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर खेल रहे हैं। हेलो हाउ आर यू, फाइन, ओके गुड। चलो यार आगे चलते हैं, अब स्कूल दिखा दिया आपको, अब दूसरा स्कूल दिखाते हैं यहाँ का, ये है यहाँ का प्राइवेट स्कूल। और अब इसके बाद हम जाएंगे आपको सरकारी स्कूल में लेके चलेंगे। आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे इंडियन स्कूल में लंच टाइम होता है ना, रोटी खाने का टाइम होता है, हम तो सिंपल रोटी दाल रोटी लेके आते थे, कभी अचार के साथ रोटी ले आते थे। यहाँ पे स्कूल के लेवल देखो कितने हाई हैं, खाना खा रहे हैं, जूसेस पी रहे हैं और फ्रूट खा रहे हैं। हेलो, ये देखो जूस खा रहे हैं, फ्रूट पी रहे हैं, बहुत कुछ खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। ये थोड़ा कहते हैं ना इंग्लिश ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, वो देख कर रहे हैं, इंग्लिश लंच। हाँ ये देखो जूस, साथ में ब्रेड टोस्ट, सारे यही खा रहे हैं। वीडियो बनाने लगा था, कहते हैं आपको ना बच्चों से कंसर्न लेना पड़ेगा वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पर इनको स्कूल में ही सिखाया जाता है कि आपकी जो वीडियो बनाओगे ना आपसे पूछ के बनानी चाहिए, तभी। यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि बच्चों को कुछ भी हो, लोग ना वो कहते हैं मुझसे कंसर्न लो फिर मेरी वीडियो लो। चलो बच्चों की वीडियो नहीं लेते हैं, आपको वैसे ही दिखा देते हैं, लैब है ये। ये यहाँ का बहुत ही माना जाना स्कूल है यार, जिसको बोलते हैं ना कि लग्जरी स्कूलों में से एक माना जाता है, इतना बड़ा स्कूल है ये, ऐसा स्कूल है, आपको दिख ही रहा होगा, बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद अब मैं जाना चाहता हूँ, ये तो यहाँ के हो गए कॉन्वेंट स्कूल, जो आप लोगों ने देखे होंगे नॉर्मल, इंडिया में भी कॉन्वेंट स्कूल इस लेवल के होते हैं, कुछ कुछ तो इससे भी बड़े होते हैं, ये भी काफ़ी बड़ा माना जाना स्कूल है। अब हम इसके बाद जाएंगे देखने जो यहाँ के सरकारी स्कूल है, एक सरकार का देखते हैं ना कि सरकारी स्कूल कैसे होते हैं, कि क्या पढ़ाते हैं वहाँ पर, कैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो देखते हैं। टीचर भी बड़े कूल थे यार, हमारे टाइमों में टीचर को फ्लावर दे दो ना, बता देगा कि कैसे फ्लावर देते, इतना मारेगा वो। चलो अब चलते हैं अगले स्कूल की तरफ और आपको अफ्रीका के स्कूल दिखाते हैं कि अफ्रीका के सरकारी स्कूल कैसे होते हैं। अब दिखाता हूँ यहाँ के सरकारी स्कूल कैसे होते हैं। अभी हम एंटर कर रहे हैं स्कूल के अंदर, स्कूल के अंदर आते ही सबसे पहले लगी है सामने पुरानी सी घड़ी और ये दिखता है कुछ स्कूल के अंदर का बोर्ड, और जैसे हमारे स्कूलों में बोर्ड पे होता था लिख देते थे, ये वहाँ के नोटिस बोर्ड हैं और नोटिस बोर्ड पे यहाँ पर लगा रखा है जिसको जो जो चाहिए और कुछ भी, अगर कुछ वोटिंग है यहाँ पर, वोट फॉर होता है यार, प्रेसिडेंट के लिए वोट होता है इनके कॉलेजेस में, स्कूलों में, इनके स्कूलों में ऐसी चीज़ें होती हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे करके, मतलब आप नोटिस बोर्ड पे लगा देते हो तो कुछ भी लग जाता है। और यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर लगभग 2000 सरकारी बच्चे पढ़ते हैं और ये यहाँ का गर्ल्स स्कूल है जहाँ पर बच्चियाँ, कहते हैं ना अगर आपको 2000 बच्चे लाइन में चाहिए ना आपको पूरे प्रॉपर, तो कहते आपको ये पूरा ग्राउंड दिख रहा है, ये पूरा ग्राउंड भी थोड़ा पड़ जाएगा क्योंकि बैचेज में 500-500 के बैचेज में बच्चों को खड़ा करते हैं, तब जाके पूरे बच्चे आ पाते हैं यहाँ पर, काफ़ी बड़ा सरकारी स्कूल है ये। ये देखो भाई यहाँ पर ना पानी की कमी है ना, इस करके ना ये ड्राम लगा देते हैं, छोटे छोटे, एक ये ड्राम दिख रहा है, एक वो ड्राम दिख रहा है, ये ड्राम इसलिए पता लगाया जाता है ताकि यहाँ पर ना बच्चे हाथ अपने धो सकें यहाँ पर ना, इस करके यही ड्राम लगा दिए जाते हैं यहाँ पर। यार हम घूम रहे हैं यहाँ के जो सरकारी स्कूल होते हैं ना उनमें, और आपको दिखाता हूँ, अभी हो गया रिसेस का टाइम जिसको बोलते हैं, आधी छुट्टी हो गई है और ये कुछ ऐसे दिखते हैं यहाँ के सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल कुछ ऐसे दिखते हैं और यहाँ से बाहर कुछ ऐसा दिखने को मिलता है। देखोगे आप लोगों को दिखेंगे कि सरकारी स्कूल, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट यू, व्हिच क्लास यू स्टडी, आर्ट्स, ओ आर्ट्स स्टूडेंट्स आर, व्हिच क्लास, ग्रेड 1, 2, 3, हेलो मैम, 8C, ओके ओके दैट्स नाइस, दैट्स योर क्लास, ओके यू आर अ आर्ट स्टूडेंट राइट, कैन आई सी इन द साइड द क्लास। चलो भाई आप लोगों को दिखाता हूँ कि अफ्रीका के अंदर क्लासेस कैसी होती हैं, ये कुछ ऐसी क्लासेस हैं, ये हेलो, ये कुछ यहाँ की क्लास हैं, ये गर्ल्स स्कूल है और गर्ल्स स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं। आई वांट टू से दिस इज अ 8C क्लास एंड दे आर द आर्ट स्टूडेंट राइट, दैट्स नाइस, वेरी गुड। और ये कुछ बच्चों की क्लास है, बहुत सारे बच्चे यार इकट्ठे हो गए हैं, पर अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अब आपको अगली क्लास में लेके चलता हूँ, ये है कुछ यहाँ के सरकारी स्कूल और ये है 8वीं क्लास,
भाई यहाँ के सरकारी स्कूलों में ना ये देखो बाहर ना बॉक्सेस बना रखे और बच्चे नाच नाच के दिखा रहे हैं हमें सारे बच्चे। ये देखो भाई स्कूल के बाहर ये बॉक्सेस बना रखे हैं ताकि ना बच्चे अंदर बैग ना लेके जा सके, पर कुछ कुछ बच्चों को अलाउड है। ये सरकारी थे, ये टूटे हुए हैं, तो यहाँ पर बच्चे ना बैग को अंदर ले जाते हैं। पर यहाँ पर ना एक चीज़ और है, बच्चे ना बैग का सामान सामून चोरी करने वाला सिस्टम नहीं है, और बच्चे यहाँ पर ना रिसेस में अच्छा अच्छा फ्रूट खाना, फ्रूट जूस खा पीते हैं। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी यहाँ पर ना सरकारी स्कूल के ना, जो जिसको कह सकते हैं हेलो मैम हाउ आर यू, आई एम गुड परफेक्ट, यू वांट टू कम, या व्हाट्स योर नेम, रोडा, ओके, व्हिच क्लास यू स्टडी, 9B, ओके, दैट्स नाइस, दैट्स वेरी नाइस रोडा, नाइस टू मीट यू। स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, बच्चे यहाँ पर लड़कियाँ ही हैं सारी, और सब लोगों को कैमरा में आने का बहुत ज़्यादा शौक है। हम पूछ रहे हैं लोगों से, पूछ के परमिशन बनाते हैं। ये यहाँ के भाई कुछ पानी के टैंकर हैं जहाँ से बच्चे पानी पीते हैं और पानी हाथ धोने का है। आगे चलते हैं और आप लोगों को स्कूल दिखाते हैं सारा। नमस्ते नमस्ते। और यार बच्चों को हिंदी आती है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, परफेक्ट सर, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड सीइंग द स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, इट्स वेरी नाइस। ये भाई टीचर है, बहुत बढ़िया है। भाई यहाँ के सरकारी स्कूलों में ना ये देखो बाहर ना बॉक्सेस बना रखे और बच्चे नाच नाच के दिखा रहे हैं हमें सारे बच्चे। ये देखो भाई स्कूल के बाहर ये बॉक्सेस बना रखे हैं ताकि ना बच्चे अंदर बैग ना लेके जा सके, पर कुछ कुछ बच्चों को अलाउड है। ये सरकारी थे, ये टूटे हुए हैं, तो यहाँ पर बच्चे ना बैग को अंदर ले जाते हैं। पर यहाँ पर ना एक चीज़ और है, बच्चे ना बैग का सामान सामून चोरी करने वाला सिस्टम नहीं है, और बच्चे यहाँ पर ना रिसेस में अच्छा अच्छा फ्रूट खाना, फ्रूट जूस खा पीते हैं। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी यहाँ पर ना सरकारी स्कूल के ना, जो जिसको कह सकते हैं हेलो मैम हाउ आर यू, आई एम गुड परफेक्ट, यू वांट टू कम, या व्हाट्स योर नेम, रोडा, ओके, व्हिच क्लास यू स्टडी, 9B, ओके, दैट्स नाइस, दैट्स वेरी नाइस रोडा, नाइस टू मीट यू। ये कुछ स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, बच्चे यहाँ पर लड़कियाँ ही हैं सारी, और सब लोगों को कैमरा में आने का बहुत ज़्यादा शौक है। हम पूछ रहे हैं लोगों से, पूछ के परमिशन बनाते हैं। ये यहाँ के भाई कुछ पानी के टैंकर हैं जहाँ से बच्चे पानी पीते हैं और पानी हाथ धोने का है। चलो आगे चलते हैं और आप लोगों को स्कूल दिखाते हैं सारा। नमस्ते। और यार बच्चों को हिंदी आती है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, परफेक्ट सर, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड सीइंग द स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, इट्स वेरी नाइस। ये भाई टीचर है, बहुत बढ़िया है। स्कूल का टाइमिंग सुन के ना आप हैरान रह जाओगे। यहाँ पर ना 10 बजे हो जाती है रिसेस, 10 बजे के आसपास हो जाती है, मतलब आधी छुट्टी जिसको बोलते हैं 10 बजे हो जाती है, और 3 बजे के आसपास यहाँ पर वो होता है, पूरी छुट्टी होती है, और सुबह 8 बजे स्कूल जैसे इंडिया में लगता है। पर यहाँ पर हमारा 12 बजे होती थी ना, इनके यहाँ पर होती है लगभग 10 बजे के आसपास रिसेस हो जाती होती है। भाई मैंने ना अंदर आते ही ना पहले घड़ी की तरफ ध्यान दिया, ये घड़ी की तरफ ध्यान दिया मैंने, भाई घड़ी तो टूटी पड़ी है, मेरे को लगा घड़ी में टाइम सही दिखा रहा है, लेकिन घड़ी टूटी पड़ी है, रुकी पड़ी है। जैसे सरकारी ऑफिसर्स में होता है ना इंडिया में, वैसे ही हालात है, मतलब कुछ कुछ जगहें तो ऐसी दिखेंगी आपको जैसे टूटी पुरानी चीज़ें होती हैं ना, वैसे रखी हैं, रिपेयर ही नहीं करा रखी हैं, और कुछ कुछ क्लासेस तो ऐसे लगेंगी जैसे बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है। भाई जैसे बच्चों को पनिशमेंट मिलती है ना, इस पनिशमेंट मिली है बिकॉज ऑफ इसके बालों करके, ये बाल इसने हेयर स्टाइल करके रखा है ना लगाने की, क्योंकि इन्होंने हेयर स्टाइल देखो दोनों ने कैसा रखा हुआ है, इसने भी और इसने भी हेयर स्टाइल, ड्यू टू हेयर स्टाइल करके इन दोनों को पनिशमेंट मिल रही है। यहाँ पर इन दोनों को पोचा लगाना पड़ेगा। भाई ऐसा तो ना इंडिया में भी नहीं होता कि पोचा लगवाते हैं, पर यहाँ पर पोचा लगवाते हैं बच्चों से अगर बच्चे अपने बालों का हेयर स्टाइल चेंज करके आते हैं। ये थोड़ी अलग सी बात लगी मुझे, जनरली कभी ये चीज़ देखा नहीं था कि पोचा भी लगवाएंगे। आर्ट क्लास की क्लास है जहाँ पे आर्ट की क्लास सिखाई जाती है, और यहाँ पर ना देखो यहाँ पर ना हीटर लगा रखे हैं यार, इतनी तो ठंड भी नहीं होती यहाँ पर। भाई यहाँ पर ना इतनी गर्मी पड़ती है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, फिर भी यहाँ के बच्चे देखो यार, सब ने बच्चों ने स्वेटर डाल रखे हैं। मैंने पूछा ना कि यार
इतनी गर्मी में स्वेटर कौन डालता है। फिर ये कहते हैं कि बच्चे यहाँ को ना ठंड नहीं बेयर कर सकते, जो यहाँ के लोग हैं ना लोकल लोग, उनको ठंड बर्दाश्त नहीं होती, इस करके इतनी गर्मी है। और गर्मी में भी भाई इन्होंने ना स्वेटर डाल रखी है। ये देखो भाई कमरे के अंदर ना हीटर लगा रखे हैं, एक यहाँ लगा रखे हैं, एक वहाँ लगा रखे हैं। मतलब ज़रा सी ठंड होती है ना तो ये हीटर ऑन कर देते हैं। ये हीटर एक ऑटोमेटेड सिस्टम से चलता है, मतलब गर्म पानी इसके अंदर जाता है फिर ठंडा हो जाता है। इंडिया में नहीं सिस्टम चलता, एक वो लगा हुआ हीटर देख रहे हो, दो दो हीटर लगा के फिर क्लास को गर्म करते हैं। ये देखो कितने बच्चे इकट्ठे हो गए यार, पहले तो मुझे लगा था थोड़े से, अभी और आ ही रहे हैं और सारे ना कैमरे की तरफ घूर घूर के देखते रहते हैं बच्चे छुप छुप के। देखो इन लोगों को ना फोटोज खिंचाने का बहुत शौक है। और यहाँ पर पता क्या आता है, देखो आप सब बच्चों ने देखोगे ना ड्रेस, सेम ड्रेस डाली है। यहाँ पर ड्रेस के ऊपर सजा मिलती है, ड्रेस के ऊपर इतना कुछ नहीं बोलते जितना बालों को लेके बोलते हैं। And he is my two friend, his name Hemant and his name Love. Hi, Love. Hello. So I am guys coming from India. Yeah. And now I going to show you paper art. You know students, many festival coming. How many paper? Three papers. And you can join 10, 20, 30, 40 papers, no problem. But I'm just show you the sample for few papers. This is the first model. Balle, you balle. Are your decoration from your. पीछे देखोगे तो पूरा रौला पड़ रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर हमारे साथ। भाई यहाँ पर जय हरियाणा, जय हरियाणा। बड़ा मजा आने लग रहा है भाई इनके साथ बैठ के, ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल में वापस चले गए हम। बच्चे खड़े हो गया, इंडिया चलो भाई हमारे अब जाने का टाइम हो गया और यहाँ के बच्चे को जाने नहीं देना चाहते। इंडिया इंडिया कर रहे, नमस्ते बोलो। राम राम भाइयों, सारों को राम राम बोल रहे हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं और टीचर अब गुस्सा कर रही है, कहते हैं तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत रोड़ा पड़ रहा है क्लास में बैठ के और बहुत मज़ा आ रहा है। चलो ठीक है, सी यू, बाय बाय, सी यू, बाय। धीरे बोलो, बहुत सारे स्टूडेंट थे। चलो अभी हम चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं, और सुबह से कुछ नहीं खा रखा हमने, खा पी के फिर आपको मिलते हैं। जिसको कह सकते हैं अब तक का मेरी लाइफ का अफ्रीका का सबसे बेस्ट स्कूल ये था। सरकारी स्कूल है लेकिन सरकारी ऐसी वाइब्स नहीं है यार बिल्कुल भी, ओपन है, बहुत ज़्यादा ओपन कल्चर है इनका, तो ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं इन चीज़ों को, हर चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, आपकी आर्ट है कोई कला है। गौरव को, गौरव मेरे को ऐसा लगा है कि इतना अच्छा जो रिस्पांस होता है लोगों का, अफ्रीका से ज़्यादा आता है लोगों को, हाँ अफ्रीका लोगों को ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है धीरे धीरे ना। अच्छा धीरे धीरे ये कला आर्ट इंडिया से गुम होती जा रही है, कम होती जा रही है, लेकिन अदर कंट्रीज़ में इस आर्ट की बहुत ज़्यादा कदर है। और वाकई में ये गौरव के पास एक टैलेंट है जिसको कहते हैं ना हुनर है, ये वो हुनर है भाई जो यहाँ पे प्रेजेंट करता है और लोगों को दिखाता है, और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को, मज़ा आ जाता है देख के भी। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, बच्चों को यहाँ पे ना फार्मिंग भी सिखाई जाती है यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को ना स्कूल में। इंडिया में तो ये अभी शुरू है, आप फार्म सब्जेक्ट भी ले सकते हो, फार्मिंग सब्जेक्ट भी ले सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर एग्जैक्ट बिल्कुल आप दिखाओगे ना, टमाटर रखे हैं, टमाटर के बाग बना रखे हैं, उन बाग के अंदर कर रहे हैं फार्मिंग। यहाँ कर रहे हैं ये बच्चे टमाटर की फार्मिंग, और टमाटर भी देखो पूरे ऑर्गेनिक है और इतने मोटे मोटे टमाटर हैं, ये सब ने टमाटर तोड़ लिए हैं और यहाँ पे पिक कर रहे हैं। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ आर यू? आई एम परफेक्ट मैम। सो यू टीच ऑल द स्टूडेंट डू हाउ टू डू फार्मिंग, राइट? यस प्लीज। ओके ओके, ओनली टोमेटो और अनदर वेजिटेबल्स आल्सो? सम अदर वेजिटेबल्स ऑफ कोर्स, ओके ओके, ऑनियन, ओके ओके, दे ऑल आर ऑर्गेनिक, राइट? दे डोंट यूज पेस्टिसाइड्स और नथिंग लाइक दैट, राइट?
Sometimes we do. Okay. Yes, sometimes. But not that much, right? No. Okay, okay, that's very good. And the fish there, we have fish. Ah, fishing, farming also? Yes, and the piggery that side. Okay, all, okay. यहाँ पर भाई मछलियाँ और उसके बाद fishes, उसके बाद pig farming, सारी तरह की farming यहाँ school में सिखाई जाती है. ये देखो बच्चे चूज कर रहे हैं अपनी मर्जी से. ये बच्चे पीछे भाई चूज कर रहे हैं अपनी मर्जी से, कहते हैं ना कि बच्चों को चूज करने का मौका देते हैं. और यहाँ पे फार्मिंग सिखा रहे हैं बच्चों को कि कैसे फार्मिंग करते हैं. और मैं आपको पीछे जाके ना फार्म भी दिखा के लाता हूँ. ये है कुछ ऐसा फार्म. गो इनसाइड और नॉट? ओके. ये देखो ये टमाटर यहाँ से तोड़े इन्होंने. ये स्टूडेंट है, ये बच्ची है, ये कहती मैं आपको दिखाती हूँ अपने स्कूल में कैसे फार्मिंग की जाती है. हाउ यू नो, हाउ यू पिक दैट? ओके, यू वांट टू पिक दैट दिस वन? So okay. You get when they are ripe. Okay. Oh. Like this, but we need big ones. Okay, you need big ones. Okay. Yes. This is not properly mature, right? Yes. ये देखो ये कहती है कि पूरी तरह पके नहीं है, ये छोटे हैं और इनको बिग वन दिखाना. कैन यू शो मी वन थिंग? ये टमाटर का साइज देखो भाई, मेरे हाथ जितना ही, ऑलमोस्ट बॉल जितना है, पूरा हाथ में कवर नहीं आ रहा. व्हाट्स योर नेम? ऑलिव. ऑलिव हमें बता रही है कि ये सब कैसे फार्मिंग की जाती है. थैंक यू सो मच ऑलिव. यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आगे पीछे पीछे चलते हैं और यहाँ से अब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. बहुत ही अमेजिंग स्कूल है. और यहाँ के आप बिलीव करोगे, ये यहाँ के सरकारी स्कूल हैं यार. जिन सरकारी स्कूलों में बच्चों को जीरो से एंड तक सब कुछ सिखाते हैं, फार्मिंग के साथ साथ आपको यहाँ पे मेडिकल की क्लासेज होती हैं, लैब की क्लासेज होती हैं, आर्ट एंड कल्चर की क्लासेज होती हैं. और इस लेवल की क्लासेज मैंने तो शायद कभी ज़िंदगी में नहीं देखी. इवन तक इंडिया में कॉन्वेंट स्कूल में भी नहीं होती कि आपको वहाँ पे फार्मिंग सिखाते हैं. यहाँ पर फार्मिंग के लिए प्रॉपर स्कूल बनाए गए हैं, एग्जैक्ट क्लासेज हैं और पीरियड है यहाँ पर. और यहाँ पर देख इतनी गर्मी पड़ रही है. देखो यार बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इस टी शर्ट में, बहुत धूप पड़ रही है. और ये सब बच्चों ने ना स्वेटरें डाल रखी है. यहाँ पर मेरे से पूछ रहे हैं कि यार इंडिया में भी स्कूलों में भी ऐसे सिखाया जाता है. मैं कहा हमारे वहाँ स्कूल में नहीं सिखाते, हमारे वहाँ ऐसे फार्म होते हैं. और इन लड़कियों को ना कैमरे पे आने का बहुत शौक है. और यू फील कोल्ड? Yeah. It's too hot. Yes. But you're wearing sweater, right? Yes. Okay. It's a dress or like you feel cold? Okay, okay. भाई यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है मेरे को. और ये बच्चों ने पीछे डाल रखी है, सबने स्वेटर डाल रखी है. मैंने इनसे पूछा कि आपको गर्मी नहीं लग रही, कहते नहीं नॉर्मल लग रहा है, इतना कुछ गर्मी नहीं लग रही. और यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं ना, इनसे गर्मी सहन नहीं होती. या कम 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 एवरीबॉडी इज कम. Namaste India. Thank you so much. You're welcome. भाई इतने लोगों ने नमस्ते कर दी हमें. अब इन लोगों को इंडिया के बारे में बहुत कुछ पता होगा. मेरे से पूछते हैं इंडिया है कैसा. मैं कहा बहुत बड़ा है, दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री में से एक है इंडिया. चलो सी यू बाय बाय, टेक केयर. बाय बाय, टेक केयर, बाय. भाई देखो हम स्कूल से बाहर निकल के आए थे और यहाँ पर ना सड़क पे लाइटें खराब पड़ी हैं. देखो लाइटें खराब पड़ रही हैं और लोग जा रहे हैं. एक भी बंदा हॉर्न नहीं मार रहा, एक भी बंदा ऐसे नहीं चला रहा कि पहले तू निकल जा. और हम अभी क्रॉस कर रहे थे, सारी गाड़ियां रुक गई, हमें क्रॉस करवाया भाई बंदों ने. ये यहाँ के कुछ वो कहते हैं ना कि रूल्स हैं, इनको ये सब चीज़ें भाई स्कूल में ही सिखा दी जाती हैं कि यार बचपन से ही आपको हॉर्न नहीं मारना, गाड़ियों को कोई जगह देनी है. तो गाड़ियों की भी क्लासेज होती हैं कि बंदा कैसे गाड़ी चलाएगा, सामने से कोई गाड़ी आ रही है तब कैसे चलाएगा, आगे रोकनी है. बिल्कुल इतने ज़्यादा रूल रेगुलेशन को मानते हैं ना. अगर आप मेजर सिटीज़ में देखोगे तो सारा ऐसा होता है, लेकिन जहाँ पर ट्रैफिक जाम है, जहाँ पर लोग सारे जाते हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला एरिया होता है, उसमें यार स्पेस नहीं होती. उसमें फिर भी हॉर्न नहीं मारते, टेढ़े मेढ़े कट मार के निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हॉर्न नहीं मारते और ना ही कोई रॉन्ग साइड से जाता है. ये यहाँ की लगा लो तुम खास चीज़ है.